हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक जोन्स या कह सकते हैं क्लाइमेट के टाइप्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन कैसी है वो तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट, सवाना टाइप क्लाइमेट एंड मानसून टाइप क्लाइमेट। अब देखिए, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सो हम इन तीनों को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आप निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। नाउ देखिए, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्लाइमेट की, उसका पहला टाइप है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसमें हमें फर्स्ट पढ़ना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो अब मैं इसको आपको डायग्राम के साथ भी समझाऊंगी, बट जैसे जैसे चलता है आप वैसे वैसे नोट्स बनाते रहें एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बाकी एक मैप पे भी मैं बताऊंगी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है दैट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेजॉन टाइप, सेल्वास टाइप और इक्वेटोरियल रीजन। कहीं पे अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है या सेल्वास टाइप की बात हो रही है या अमेजॉन टाइप या इक्वेटोरियल रीजन की बात हो रही है, तो ये सब एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नाम से ये मिल सकती हैं, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्लाइमेट, बट दो तीन बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे किस लैटिट्यूड के आसपास ये आपको मिलेंगे, तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आपको ये इस तरह के फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है काफ़ी अच्छी खासी बारिश होती है और कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है वो समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इसको समझ के फिर वापस हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर चलेंगे, बट थोड़ा सा कन्वेक्शनल रेनफॉल हल्का सा समझ लेते हैं। तो देखिए, हवा जब हॉरिजॉन्टली चलती है, हवा आप समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये प्लेन डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन है ये नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो जब एयर हॉरिजॉन्टल वे में चलती है उसे हम कहते हैं विंड, लेकिन जब यही एयर वर्टिकल वे में चलती है, इस तरह से ऊपर से नीचे, इस तरह से ऊपर की तरफ उठती है, तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। इसी तरह जो इस वे में रेनफॉल होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या बात हुई, है ना? तो देखिए, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि एयर जब हॉरिजॉन्टल वे में चलती है कहलाती है विंड, एयर जब वर्टिकल वे में चलती है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। नाउ देखिए, ये वाटर है, ठीक है, अब यहाँ से इवेपोरेशन होगी तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, पानी की इवेपोरेशन होगी, पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन तो आप समझते हैं ना। तो अब ये इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल करंट्स बोलेंगे। ये जाके बन गया क्लाउड, क्लाउड्स में हुई कंडेंसेशन, मतलब जितना वाटर होल्ड कर सकता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बरसना शुरू हो जाता है, मतलब रेनफॉल जो है वो शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ और, हाइट पे जैसे जैसे बढ़ते हैं टेम्परेचर रिड्यूस होता है, ठीक है, तो उसी वजह से इनकी स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल समझ आया हो। एक हल्का सा पॉइंट और भी है यहाँ पे जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है ना कि ज़मीन का कोई भाग है, अगर उस पर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है उस एरिया में, तो उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। हमेशा मैंने आपको बताया कि देखिए, अगर जैसे मान लीजिए ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये कोई ज़मीन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब क्योंकि यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हल्की हवा है, गर्म गर्म चीज़ हमेशा हल्की होती है, ठीक है, गर्म चीज़ हमेशा हल्की होती है, तो हल्की हवा यानी लो प्रेशर क्रिएट कर रही है। कैसे क्रिएट कर रही है, क्योंकि हल्की हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और जो भारी हवा है, कोल्ड करंट है, वो नीचे की तरफ आती है, कोल्ड करंट फिर से जो है वार्म हो जाती है, हॉट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। अब क्योंकि गर्म हवा ऊपर चली गई, जो कोल्ड ठंडी हवा है वो नीचे आ गई, तो ऊपर वाली चीज़ का भार ही नहीं रहता है, तो इसलिए कोल्ड हवा जब नीचे है, हॉट एयर जब ऊपर है, तो उसका भार ही नहीं रहता है, इसलिए हम कहते हैं लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर का मतलब कि नीचे भी ठंडी हवा है, ऊपर भी ठंडी हवा है, हमेशा ठंडी चीज़ भारी होती है, तो जो ऊपर वाली ठंडी हवा है वो नीचे वाली चीज़ पे भारी है, इसलिए वो क्रिएट करती है हाई प्रेशर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। वैसे ये कंसेप्ट थोड़ा अलग हो गया, हम ये पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बात करें कि कोई ज़मीन का हिस्सा अगर उस पे हाई टेम्परेचर है तो वो लो प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हवाएं उठती हैं और कोल्ड करंट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आया हो।
नहीं भी समझ आया तो आप इसे स्किप कर दीजिए क्योंकि ये टॉपिक से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट कन्वेक्शनल रेनफॉल का जिक्र हुआ तो मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि वैसे मैंने पढ़ाया है साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, स्टिल आपको नहीं पता, आप इसी वीडियो से मेरे साथ जुड़े हैं सो मैंने हल्का सा आपको बता दिया। नाउ व्हेन क्लाउड्स आर नॉट एबल टू होल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि पानी को नहीं होल्ड कर पाते, वाटर ड्रॉपलेट्स को नहीं होल्ड कर पाते हैं क्लाउड्स, तो जो रेनफॉल होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। और यहाँ पे यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। सो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे क्लाउडी वेदर होता है, स्पेशली इन आफ्टरनून, दिन के टाइम ठीक है, मिड डे के टाइम बादलों वाला मौसम होता है। वेजिटेशन की बात करें तो अब देखिए ये तो याद करने वाली बात है ना, हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे रेनफॉल बढ़िया है, सनलाइट बढ़िया है, तो अच्छे बढ़िया बड़े बड़े पेड़ आपको मिलेंगे, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबर, चिनकोना, ये सब मिलेंगे। वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने जंगल मिलेंगे। ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, लीव्स जो हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं। एंड एपीफाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, मतलब जो बेलें होती हैं, बेल समझते हैं आप, जैसे मनी प्लांट है, क्या है वो बेल ही है, वो बढ़ती रहती है ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए ये तो हमने शब्दों की फॉर्म में पढ़ लिया कि क्या है क्या नहीं है ना, ये वाली चीज थोड़ी एक्स्ट्रा होगी। नहीं आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल याद कर सकते हैं, बट कन्वेक्शनल रेनफॉल जो सिंपल जो बारिश होती है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा डायग्राम की ओर चलते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्चुअल में लाई कहाँ पे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ यहाँ पे मैंने पूरा वर्ड मैप ड्रॉ नहीं किया है, जहाँ जहाँ पे ये लाई करते हैं सिर्फ वही वाले एरियाज जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। नाउ दिस इज़ द मैप ऑफ द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जो हम पढ़ रहे हैं ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमने कहा सेल्वास टाइप पढ़ा, अमेजोन टाइप पढ़ा, उन फॉरेस्ट को हमने थ्रू मैप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब देखिए इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है, यह है हमारा साउथ अमेरिका, यह है अफ्रीका और यह है एशियन कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया के जो कुछ पार्ट्स हैं। वैसे तो एशिया बहुत बड़ा आता है, यूरेशिया, यूरोप, एशिया साथ साथ में आते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। नाउ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में इस जगह पे, ये जो हमारा अफ्रीका है उसमें यहाँ पे, और ये जो हमारा एशिया वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मैप, अब जैसे जैसे मैं आपको एक एक क्लाइमेट समझाती चलूँगी, आपको हर एक क्लाइमेट जो है मैप के साथ रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एग्ज़ाम में भी आता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है, ठीक है। चलिए आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया हो, बस इसको ज़रूर ड्रॉ करें अपनी नोटबुक में, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। वैसे तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, बट बुक में फिर रहता है कि याद करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट सबसे पहले मैंने वही पढ़ा है, और ऐसा ऐसा डायग्राम है, उसने पूरा वर्ल्ड मैप नहीं बनाया है, सिर्फ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया बनाया है। तो ऐसी चीज़ें ना दिमाग में याद रह जाती हैं कि हाँ वहाँ ग्रीन ग्रीन कलर की है, तो ऐसी चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए ये जो है वो नोट्स का फायदा होता है। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो हजारों बुक्स हैं, नोट्स की क्या जरूरत है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है, अभी भी कुछ पॉइंट्स बचते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नो पर्टिकुलर सीजन फॉर फ्लावरिंग और शेडिंग लीव्स, कि पत्ते कब झड़ेंगे या पेड़ों पे फूल कब लगेंगे, इसका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे साल बारिश रहती है, बढ़िया सनलाइट इनको मिलती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि इक्वेटर के आसपास ही ये होते हैं, है ना। सो इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है कि फ्लावरिंग कब होगी या शेडिंग लीव्स या पत्ते कब झड़ेंगे, पतझड़ कब होगी, ठीक है ना। अंडरग्राउंड और सरफेस ग्रोथ लो, अंडरग्राउंड या पानी के नीचे जो सरफेस, पानी नहीं सॉरी, अर्थ के नीचे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी कम होती है। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ सनलाइट। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, अभी मैं कह रही हूँ कि लैक ऑफ सनलाइट है, तो ऐसा क्यों है? देखिए मान लीजिए ये वो एरिया है जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। अब पेड़ बहुत बड़े हैं तो उनके पत्ते भी इस तरह से हैं, ठीक है। अब पत्ते हमने पढ़ा बहुत ब्रॉड हैं, बहुत गहरे हैं, यहाँ पे ब्रॉड लीव्स हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ज़मीन वाला पार्ट है यहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती है, सनलाइट इन लीव्स के ऊपर पहुँचती है, इसलिए ये ब्रॉड हो जाते हैं, मतलब चौड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं, सब कुछ बढ़िया है, इनकी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन जो सनलाइट है वो ज़मीन तक, लैंड पार्ट तक पहुँचती ही नहीं है, राइट। जिसकी वजह से रूट्स जो हैं उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है सनलाइट, तो वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इसलिए अंडरग्राउंड या सरफेस की ग्रोथ जो है वो कम होती है। यहाँ पे मेनली रूट्स की बात कर रहे हैं, राइट। नाउ मेजर ट्राइबल ग्रुप्स, इन एरियाज़ में आपको मेजर ट्राइब्स कौन कौन से मिलेंगे, वैसे ट्राइब्स का टॉपिक आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, बट इसके साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सिमांग है, कुबुस है, डेरेक्स है, पिगमिस है, अमेजन इंडियंस है।
ठीक है, नौसेमांग मलेशिया, कुबुस सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक है, डायक्स बोर्नियो, पिगमिस कॉन्गो अफ्रीका में है, अमेजोन इंडियन साउथ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सो इसी के साथ अब हमारा कंप्लीट हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसे हमने सेल्वास टाइप, अमेजोन टाइप ये सब कुछ कहा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसमें सेकेंड कौन सा है? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो इसमें लोकेशन की बात करें, इसको भी मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी हल्का सा मैप कि कहाँ कहाँ पे ये एक्चुअल में लाई करता है, क्योंकि जब हम मैप देखते हैं ना तो वो छाप हमारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। सो लोकेशन की बात करें, 7 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल में भी, सॉरी नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी दोनों जगह ये मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ होता है याद करना क्योंकि हम बहुत सारे पढ़ते हैं, बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, टैगा क्या है, टुंड्रा क्या है, है ना। धीरे धीरे टाइम के साथ, एकदम से सब कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। सो लोकेशन हो गई 7 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। रेनफॉल जो है वो 25 से 150 सेंटीमीटर तक रहेगा। वेजिटेशन की बात करें तो वाटर यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर रहेगा एंड ट्रीज स्कैटर्ड। अब क्योंकि पानी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है, पानी मतलब पानी की कमी है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ट्रीज जो है वो दूर दूर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये पूरी लैंड है, तो एक पेड़ आपको यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां, फैले हुए पेड़ मिलेंगे, ठीक है। एक जगह पे प्रॉपर जंगल नहीं आपको मिलेगा। नाउ ट्राइबल ग्रुप्स की भी बात कर लेते हैं कि यहां पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, देन फर्दर मैं आपको बताऊंगी मैप के थ्रू भी। सो यहां पे मसाए, किकुयुस, हॉसस, लला निरोज, या ला निरोज, है ना। मसाए तंजानिया अफ्रीका में है, किकुयुस नॉर्थ केन्या, हॉसस साउथ सहारा अफ्रीका, एंड ये लला नेरोस वेनेजुएला साउथ अमेरिका। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं, ये यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू छोटा सा बनाया है, ठीक है, ज़्यादा कवर ना करें इसलिए। सो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इनका जो स्टेम होता है ना, जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि पानी जो है वो कमी होती है पानी की, तो ट्रीज जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये जो स्टेम होता है, तना जिसे हम कहते हैं, बहुत मोटा होता है, ठीक है। और जो इसके ऊपर वाली चीज़ है, पत्ते तो होंगे नहीं क्योंकि सनलाइट ही है, वाटर की कमी है, है ना। नाउ फॉर द सर्च ऑफ वाटर रूट्स डीप, जो इसकी जड़ें होती हैं, ये जड़ें हैं, ठीक है। सो ये जड़ें बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, डेप्थ में होती हैं, गहरी होती हैं, ताकि पानी की सर्च कर सकें, ठीक है। नाउ इनके जो रूट्स होती हैं ना, वो गहरी होती हैं। गहरी क्यों होती हैं? क्योंकि इनका पानी को अर्थ के अंडर ही जो है वो उसकी सर्च करनी होती है, पानी को जो है अर्थ के नीचे ढूंढना होता है, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम होता है ना। हीट फायर ग्रासेस दे कैन ग्रो अगेन। अब देखिए यहाँ पे आग लग जाए ना अगर, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा, यहाँ पे सनलाइट बहुत है, वाटर लेकिन लिमिटिंग फैक्टर है ना, तो अगर यहाँ पे आग लग जाए तो घास सारी जल जाएगी, लेकिन वो फिर से उग सकती है, क्योंकि जो ग्रास होती है उसकी हाइट आपको पता है कितनी होती है, वो ईजिली ग्रो कर जाती है। बट इफ ट्रीज कैचेज फायर इट कैन टेक ईयर्स टू ग्रो देम अगेन। लेकिन पेड़ों में अगर आग लगी तो फिर क्या होगा? तो फिर उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है, आग फैल जाती है, लेकिन हीट की वजह से जो आग लगती है, ग्रासेस तो फिर से ग्रो कर जाती हैं, लेकिन जो ट्रीज हैं वो फिर से ग्रो नहीं कर पाते, उनको ग्रो करने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। नाउ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, एलिफेंट ग्रास, मतलब घास जो है वो नॉर्मल से थोड़ी लंबी होती है, एंड विच ग्रोज अप टू 4.5 meters, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये जो रेड किया हुआ है जोन, ठीक है, ये है हमारा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, अफ्रीका में जो मिलेगा देखने को, उसको कानोज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में लानोज एंड कैम्पोज बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, थोड़ा थोड़ा बीच में लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, बट आप पूरा टॉपिक अगर सुनेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि नहीं, हम समझ सकते हैं। मुझे भी ऐसा था शुरू में, बट धीरे धीरे हो जाता है याद, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए जो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे कि लानोज हैं वेनेजुएला में, कैंपोज हैं ब्राज़ील में, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील दोनों ही कंट्रीज़ हैं कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ठीक है। सो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर आ जाए तो वो सवाना ही है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आ जाएँ वो भी सवाना ही है। एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे दो तीन टॉपिक्स आके, ठीक है, वो भी क्लाइमेट के अंडर ही आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
नाउ थर्ड जो इसके अंडर आता है वो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसे हम दो टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया ट्रॉपिकल मॉनसून, एक हो गया ट्रॉपिकल मैरीन। अब जो ट्रॉपिकल मॉनसून है वो मैंने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है, जो ट्रॉपिकल मैरीन है ये मैंने इस तरह से इस कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको देखिए ट्रॉपिकल मॉनसून कहाँ है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आसपास, ये तो आपको पता ही होगा, प्लस ऑस्ट्रेलिया के अपर रीजन यानी नॉर्दर्न रीजन में आप कह सकते हैं। और ट्रॉपिकल मैरीन, मैरीन मतलब कोस्टल एरिया के आसपास, तो जहाँ भी कोस्ट है वहाँ वहाँ ये मिलेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपको मिलता है, अफ्रीका में ये ईस्ट कोस्ट में, मेडागास्कर है ये, साउथ अमेरिका है ये, अफ्रीका का जो है साउथर्न मोस्ट टिप है ये। सो ट्रॉपिकल मैरीन आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, ट्रॉपिकल मॉनसून भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। अब ये जो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा बेशक पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने जो इंडियन क्लाइमेट है पूरा का पूरा टॉपिक 6-7 पेजेस का मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, तो बस वही सेम थ्योरी है यहाँ पे भी, ठीक है। तो चलिए ट्रॉपिकल मॉनसून हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि है क्या। डेसीडियस टाइप इंडियन टाइप फॉरेस्ट, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। डेसीडियस टाइप क्या होता है, जो पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ टाइप इंडियन टाइप फॉरेस्ट है। लोकेशन है 10 से 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, इन केस ऑफ इंडियन पाकिस्तान एक्सटेंड्स अप टू 30 डिग्री नॉर्थ, ये कुछ एक्सेप्शन हैं। इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सवाना, सवाना का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्लाइमेट जो है उसमें तीन सीजन्स आपको मिलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हॉट सीजन, रेनी सीजन, कूल सीजन। मार्च से जून तक गर्मियाँ रहती हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर बरसात रहती है, नवंबर दिसंबर जैन फेब ठंड होती है। अब यही चीज़ इंडिया में भी होती है, क्योंकि इंडिया में देखिए इंडिया में आपको मिलेगा ट्रॉपिकल मॉनसून, और यहाँ पे आपको लगेगा कि साफ साफ जो है वो इंडिया की बात हो रही है ना। इंडिया में मॉनसून कैसा है, साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, फिर नॉर्थ ईस्ट होता है जिसे हम रिट्रेटिंग मॉनसून बोलते हैं, इनका क्या कंसेप्ट है वो मैंने इंडियन क्लाइमेट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो हम उसको यहाँ पे पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है ट्रॉपिकल मॉनसून, हल्का सा ट्रॉपिकल मैरीन भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वही बात हो रही है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तीन सीजन्स हैं, वैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में भी तीन सीजन्स हैं। यहाँ पे विंटर्स कब होती हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, और यहाँ पे समर कब होती है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, मतलब जब ऊपर विंटर है यहाँ समर है, जब ऊपर समर है यहाँ विंटर है, ठीक है। नाउ ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट हल्का से इसके बारे में पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं उसके हिसाब से पढ़ लेंगे। सो इट इज़ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट दैट इज़ प्राइमरली अफेक्टेड बाय ओशंस, ओशन से जो क्लाइमेट इफेक्ट होता है, जो एरियाज इफेक्ट होते हैं वहाँ पे आपको ये जो है ट्रॉपिकल मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यूजुअली एक्सपीरियंस्ड बाय आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज बिटवीन 10 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये बस ये दो ही क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, कि जो आइलैंड्स हैं या जो कोस्टल एरियाज हैं 10 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड 10 से 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आपको वेट सीजन भी मिल सकता है, ड्राई सीजन भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।